फ्रेंड्स, अगर आपके भी व्हाट्सएप पर आपका भी चैट सारा चैट डिलीट हो गया है या फिर कोई एक दो स्पेसिफिक चैट डिलीट हो गया है तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप डिलीटेड चैट को रिकवर कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में बच्चे रहते हैं तो वो हमारे फोन को लेते हैं और गलती से व्हाट्सएप ओपन करते हैं और हमारे चैट्स को डिलीट कर देते हैं, और कोई कोई हमारे फोन को लेता है और जानबूझ के हमारे चैट्स को डिलीट कर देता है, और ऐसे में हम परेशान हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपने इन चैट्स को कैसे रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा रहता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, फाइल, वीडियो, ऑडियो, सारा चीज रहता है, काफी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रहता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर वर्कर हो या फिर कोई जॉब करते हो तो आज के टाइम में सारा चीज व्हाट्सएप पर शेयर होता है, सारा फाइल्स, डॉक्यूमेंट सारा व्हाट्सएप पर होता है, और ऐसे में हमारे फोन से व्हाट्सएप से टेक्स्ट डिलीट हो जाता है, वीडियो डिलीट हो जाता है, ऑडियो डिलीट हो जाता है, फोटो डिलीट होता है, डॉक्यूमेंट डिलीट होता है, तो हमें काफी ज्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद इन फ्यूचर आपके फोन पर जो भी चैट्स डिलीट होंगे आप उसे बड़े आसानी से रिकवर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को पूरा देखें, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो इन फ्यूचर आपका अगर चैट्स कोई भी डिलीट करता है तो आप बड़े आसानी से उसे रिकवर कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आपको फ्यूचर में कभी भी परेशान होने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और हाँ, एक और काम कर देना, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे यूजफुल वीडियोस आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पर आना है। व्हाट्सएप पर आने के बाद आपको 3 डॉट पर आना है। अब 3 डॉट पर आते हो सेटिंग्स पर आना है, और मैं इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं अपने व्हाट्सएप को डिलीट कर दूंगा, सारे चैट को डिलीट कर दूंगा, उसके बाद मैं सारे को रिकवर करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आप आते हो 3 डॉट पे, तो यहाँ पर आपको चैट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, चैट्स पर आ जाना है। यहाँ पर आप आते हो आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैट बैकअप का, सिंपली चैट बैकअप पर आ जाना है। चैट बैकअप पर आते हो तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देख सकते हो यहाँ पर आपको पहला तो करना क्या है कि गूगल अकाउंट, तो यहाँ पर आपको एक गूगल अकाउंट ऐड कर लेना है जिस पर कि आप बैकअप बनाना चाहते हो। यहाँ पर जितना भी फोन में आपका गूगल अकाउंट है सारा का सारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको कोई भी एक अपना गूगल अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है, जीमेल अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप करते हो फिर आपको एक ऑप्शन दिखेगा बैकअप टू गूगल ड्राइव, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है और सभी के फोन में ये नेवर रहता है, एंड आई एम 100% श्योर कि आपके फोन में भी ये नेवर होगा। तो यहाँ पर आपको डेली कर लेना है। डेली करने के बाद आपको आएगा कि आप किस जीमेल आईडी पर यहाँ पर इसे बैकअप करना चाहते हो, तो आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है जिस पर आप बैकअप करना चाहते हैं। इनकेस मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप करते हो आपको बैकअप पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर बैकअप पर क्लिक करते हो ये आपका बैकअप बन जाएगा, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप यूजिंग सेलुलर, तो इसे ऑन कर देना है। इससे ये होगा कि आपके इंटरनेट से ही होगा, अगर ये आप ऑफ करते हो तब जब वाईफाई होगा तभी ये बैकअप बनेगा, तो आपको ध्यान से इसे ऑन कर देना है। अब आप यहाँ पर ऑन करते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी कम केबी का यहाँ पर मेरा बैकअप बन रहा है, 786 KB सिर्फ, जो कि काफी ज्यादा कम है, 1 MB से भी कम है। तो यहाँ पर बैकअप बनता है, फिर मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा बैकअप बन गया है, और मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर मैनुअली नहीं करना है, यहाँ पर आप ये ऑप्शंस को इनेबल करते हो तो ये आपका ऑटोमेटिक बैकअप हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बैकअप बनने के बाद अब मैं करता हूँ क्या, देख सकते हैं कि मेरा ये फोन है, यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप चैट्स वगैरह है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप चैट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बंदे ने मुझे फोटोज वगैरह भेजा है, और इन केस अगर डिलीट हो जाता है मैं आता हूँ व्हाट्सअप को, और व्हाट्सअप को मैं यहाँ पर आके क्लियर चैट कर देता हूँ, या फिर मैं क्लियर डाटा ही कर देता हूँ व्हाट्सअप का, ताकि पूरा मेरा व्हाट्सअप फ्रेश हो जाए। और मैं आपको फिर से इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, फिर से लॉगिन करके दिखाऊंगा, और मेरा वहां पर सारा का सारा डाटा रहने वाला है। मैं यहाँ पे क्लियर डाटा पर क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर ओके करता हूँ, और मैं यहाँ पर व्हाट्सएप को जैसे ही ओपन करता हूँ तो देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप लॉग आउट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, अग्रेन कंटिन्यू करते हैं, और अपने फोन नंबर को यहाँ पे मैं डायल करता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फोन नंबर डायल करके नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ओके करते हैं। अब यहाँ पे मेरा OTP आएगा, OTP जैसे ही आता है मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा कोई भी चैट जो है डिलीट नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, परमिशन दे देना है। अब देख सकते हो सबसे मेन सेटिंग यहाँ पर ये है, आपको यहाँ पर लुकिंग फॉर बैकअप्स आएगा, और यहाँ पे दो ऑप्शन रहेगा, री स्टोर स्कीप,
तो आपको ध्यान से यहाँ पर रीस्टोर पर क्लिक कर देना है। अगर आप स्किप करते हो तो आपका सारा गेम बच जाएगा और आपका जो है चैट रिकवर नहीं होगा, तो आपको ध्यान से यहाँ पर रीस्टोर पर क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पर रीस्टोर पर क्लिक करता हूँ और कुछ ही समय लगेगा, फिर मेरा सारा का सारा यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा पूरा बैकअप बन गया है, हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा तो आपको रीस्टोर नाउ पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप आते हो तो आपका सारा का सारा चैट बैकअप हो जाएगा। अब मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ जब तक ये लोडिंग वगैरह होता है, तब तक आप वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अब यहाँ पर हम आते हैं तो देख सकते हैं कि मेरा सारा का सारा चैट वगैरह बैकअप हो गया है। मैंने आपके सामने डिलीट किया और सारा का सारा चैट मेरे सामने आ गया है, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक का यूज करके आप इन फ्यूचर आपके चैट्स जितने भी डिलीट होते हैं, या फिर गलती से आपका व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो जाता है, या फिर आप दूसरे फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो सेम नंबर से, तो आप इस ट्रिक का यूज करके सारे चैट्स का बड़े आसानी से बैकअप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स ये बड़ा ही आसान तरीका था जहां से आप बैकअप बना सकते हो। अब फ्रेंड्स बहुत सारे केस में आपको होगा क्या, आपको कंफ्यूजन में आ जाएगा कि हमने बैकअप बनाया है वो बैकअप बन रहा है फिर नहीं बन रहा है, डेली बैकअप हो रहा है या फिर नहीं। तो इसे चेक करने के लिए आपको करना क्या है, गूगल ड्राइव पर आ जाना है। गूगल ड्राइव हम सभी के फोन में होता है, गूगल ड्राइव पर आना है और आपको उस जीमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन करना है जिस जीमेल आईडी पर आपने वहाँ पे बैकअप में लगाया था। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, थ्री लाइन पर क्लिक करना है, फिर आपको बैकअप पर क्लिक कर देना है। अब बैकअप पर जैसे ही क्लिक करते हो तो देख सकते हैं व्हाट्सएप का जो मैंने बैकअप बनाया था यहाँ पर रजिस्टर हो जा रहा है, और टाइम भी देख सकते हैं 7:49 जो अभी मैंने तुरंत किया था। तो फ्रेंड्स ये एक आसान तरीका था जहां से आप डिलीटेड मैसेज को बड़े ही आसानी से रिकवर कर सकते हो। और हाँ मैं बता दूं कि आप इसे तभी रिकवर कर पाओगे जब आप सारे सेटिंग्स को ऑन करते हो, बैकअप वगैरह ऑन करते हो, तभी आप इसे रिकवर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आज के बाद आप इस सेटिंग को जरूर ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।